धार के भूमिहारों के साथ जब आपदा विपदा आती है तब तो कोई बाबू दिखाई नहीं देते हैं। कोई नौकरी नहीं देता था, मैंने ही भूमिहारों लोगों को नौकरी दे करके सबको मैं लाया। टाटा हॉस्पिटल कैंसर लोगों को पेशेंट का मदद किया, शादी विवाह में सब लोगों को मैंने मदद किया। जो एक समय भूमिहार आंसू से रो रहा था उस आंसू को पोछने का काम मैं किया हूँ। क्या लगता है सर कि भोला बाबू का सम्मान पैसों के वजह से है? ये CSR का फंड अभी हम लोग 1.5-2 साल से यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों को नौकरियां दिया हूँ, इस कारण लोग आते थे पहले से। आपका तो कहना सर कि वोट इसलिए मांगना है ताकि राज्यसभा पहुंच जाए? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं 5-6 दिन हूँ यहाँ पर, 4-5 दिन तो रहूंगा जरूर। मैं कोशिश करूंगा हर असेंबली क्षेत्र में मैं कोशिश करूंगा जाने का, कोशिश करूंगा लोगों को मनाने का। जहानाबाद में चुनावी सरगर्मी तेज है और जहानाबाद के नाराज भूमिहार को मनाने के लिए उद्योगपति भोला बाबू का आज आगमन हो गया है। जहानाबाद में नाराज भूमिहार को मनाने आए हैं। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनावी मैदान में है सर, आज जो है आपका आगमन हो गया जहानाबाद, क्या लग रहा है सर, क्या आसार लग रहे हैं अभी? देखिए, आज मैं पहली बार आया हूं और जहां तक NDA का सवाल है, हमारे चंद्रवंशी जी जदयू का सवाल है, वो कैंडिडेट है और इस NDA का सब जगह अच्छा छवि है, हर रूप में है, विश्व में भी अच्छा है कि भारतवर्ष बहुत अच्छा काम कर रहा है ग्रोथ वाइज, लोगों को नौकरी देने का है, जो सारे इंडस्ट्री यहाँ पर आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो NDA ही विकास कर रहा है और इसके विकास में क्यों नहीं हम लोग चले। तो ये मेरा है कि इस आधार पर और मेरे काम के आधार पर, माननीय नीतीश कुमार जी के काम, जो एक अंधकार में डूबा हुआ था बिहार, उस अंधकार से ऊपर लाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। इस डायरेक्शन में जो काम होगा तो क्यों नहीं उसके साथ में सब लोग। सर, जहानाबाद के लोगों का कहना है कि जहानाबाद में भूमिहार और यादव के उम्मीदवार होते थे लेकिन 2 बार से लगातार चंदेश्वर चंदवंशी को उम्मीदवार बनाया जाए, तो जहानाबाद के भूमिहार कहाँ चुनाव लड़ेंगे? जहां तक जहानाबाद का भूमिहार का सवाल है, मैंने कल मुख्यमंत्री जी से मेरा 1.5 घंटा उनके घर पर मुलाकात हुआ और वो आश्वासन दिए हैं मेरे को कि भूमिहार का मैं रिप्रेजेंटेशन जिस रूप में होगा मैं दूंगा, और चाहे असेंबली में हो या काउंसिल में हो, अभी तो काउंसिल में ही हो सकता है, मैं जरूर रिप्रेजेंटेशन दूंगा भूमिहार रहूं। सर, अरुण कुमार चुनावी मैदान में हैं और भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई लड़ने का बात कर रहे हैं, उनसे सवाल किया गया कि भोला बाबू का आगमन होना है तो उनका साफ कहना था कि पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोगों के लिए आएंगे और जहानाबाद के भूमिहारों या फिर भूमिहार बिहार के भूमिहारों के साथ जब आपदा विपदा आती है तब तो कोई बाबू दिखाई नहीं देते हैं। जहां तक अरुण बाबू ये बात किए हैं मेरे बारे में, तो मैं ये बता देता हूं कि शुरू से 71-72 से मैं कंपनी स्टार्ट किया, उसमें कोई भी कंपनी चाहे मल्टीनेशनल हो या नेशनल कंपनी हो कोई नौकरी नहीं देता था, मैंने ही भूमिहारों लोगों को नौकरी दे करके सबको मैं लाया। जो आज बहुत लोग रिटायर भी हो गए कंपनी से, उनके परिवार भी कितना खुशी है वो सारे भूमिहार लोग जानता है। मैं इतना लोगों को नौकरी दे करके, जहां तक यहाँ के लोग को भूमिहार हो या दूसरे जाति हो, मैंने बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल कैंसर लोगों को पेशेंट का मदद किया, शादी विवाह में सब लोगों को मैंने मदद किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सबको मदद किया, यहाँ पर हर एरिया में मैंने कोशिश किया है। मेरे परिवार शुरू से, मेरे भाई, अब मैं तो, जहां तक विकास का सवाल है, जो एक समय भूमिहार आंसू से रो रहा था उस आंसू को पोछने का काम मैं किया हूं, मेरे परिवार किया है, और जो गरीब था नौकरी से लेकर के शादी व्यवहार तक से लेकर के सब कुछ मैं काम करवाया हूं। आज कोई भी बता दे कितना कोई करवाया हो, बोलने के कोई भी बोल सकता है कि क्या किया, वो भी किए होंगे, जरूर किए होंगे। उनका से ये भी सवाल किया गया था कि उनके आसपास जब भी आते हैं सैकड़ों गाड़ियों के जो है काफिला रहती है, तो उनका कहना था कि उनके पास 2,000 करोड़ का CSR फंड है और उसी CSR फंड पर जो है लोगों की नजर रहती है, क्या लगता है सर कि भोला बाबू का सम्मान पैसों के वजह से है? ये CSR का फंड अभी हम लोग 1.5-2 साल से यूज कर रहे हैं, उसके पहले भी मैं आता था, जो CSR काम स्टार्ट करने के पहले भी मेरे पास इतने ही लोग आते थे, चूंकि उस समय घर पर आते थे लोग, आते थे चाहे नौकरी के लिए हो या
बीमार कोई हो, कोई के शादी विवाह हो, तभी भी आता था। चूंकि अभी हम सीएसआर के काम कर रहे हैं तो गांव में आता हूं, तो गांव में सब स्वाभाविक है कि गाड़ी से आते हैं, और इसमें सीएसआर का ही फंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक आदमीयत एक विकास के रूप में कैसे करना है, वो मैं विकास पहले से भी कर रहा था, लोगों को मदद कर रहा था, बहुत लोगों को नौकरियां दिया हूँ, इस कारण लोग आते थे पहले से। आपके द्वारा जो काम किया गया सर, उसका फायदा चंदेश्वर प्रसाद चंदवंशी को मिल पाएगा? देखिए, मैं फायदा तो लोगों के लिए करता हूँ, गांव के लिए करता हूँ, स्कूलों में मैं काम करवाया हूँ, बच्चे लोग के लिए काम करवाया हूँ, तो वो काम इसलिए नहीं करवाया हूँ कि कल मैं वोट लूं। देखिए, जहां जहां मेरा मीटिंग हुआ है पहले सीएसआर के संबंध में, वहां पर सब जगह मैं बोला हूं कि आपके आया हूं, ये वोट के लिए मांगने के लिए नहीं मैं आया हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, ये एक अलग विकास का काम एक अलग है, और वोट देना न देना अलग है। मैं कोशिश करूंगा कि लोग मेरे पर विश्वास करके मेरे बात माने। लोग का तो कहना सर कि वोट इसलिए मांगना है ताकि राज्यसभा पहुंच जाए, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, वोट मांगे इसे राज्यसभा मतलब। आप लोग मालूम है मेरे भाई साहब कितना दिन पहले जदयू में थे, इतने साल एमपी रहे, और उस आधार से जदयू का भी आशा है, मेरा भी आशा लोगों से, मैं राज्यसभा जाऊं या नहीं जाऊं ये उतना महत्व नहीं रखता। आखिरी सवाल सर, भोला बाबू कितना दिन जहानाबाद रहेंगे और कैसे भूमिहारों को मनाएंगे? मैं 5-6 दिन हूँ यहाँ पर, 4-5 दिन तो रहूंगा जरूर, मैं कोशिश करूंगा हर असेंबली क्षेत्र में मैं कोशिश करूंगा जाने का, कोशिश करूंगा लोगों को मनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ भोला बाबू थे, उद्योगपति, देश के बड़े उद्योगपति हैं और जहानाबाद में लगातार काम कर रहे थे। अभी चंदेश्वर प्रसाद चंदवंशी के लिए वोट मांगने के लिए जहानाबाद आए हैं, और उम्मीद है इनका कि जहानाबाद के भूमिहार इनसे मानेंगे और चंदेश्वर प्रसाद चंदवंशी पर एक बार फिर से भरोसा करेंगे। वही अरुण कुमार के प्रतिक्रिया पर इन्होंने कहा है कि हमारे सीएसआर फंड पर किसी का नजर नहीं है, और हम हर बार जो है जब भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई आई है तो हम जो है उपस्थित रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में भोला बाबू का आगमन का कितना असर दिखता है, जहानाबाद के नाराज भूमिहार कितना मान पाते हैं।